नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रतिबंध के बावजूद न्यायालय परिसर में हथियार लेकर घूमता रहा युवक, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक कवायद हुई तेज, डीडीसी ने स्वीप कोर कमेटी के सदस्यों के साथ की बैठक। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधी हुए बेखौफ, हथियार के बल पर ड्राइवर से लूटा 1.5 लाख रुपए। भागलपुर कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री की मनाई गई जयंती, पुष्प अर्पित कर किया याद। और तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सिंडिकेट कमेटी की भी बैठक, शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करने का कुलपति ने दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में प्रतिबंध के बावजूद गुरुवार को एक व्यक्ति हथियार लेकर प्रवेश कर गया, जबकि कोर्ट परिसर में हथियार के साथ प्रवेश पर रोक लगी है। और जब इस वाक्य को मौजूद मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद करना चाहा, तो व्यक्ति मीडिया कर्मियों से उलझ गया और मीडिया कर्मी का मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा। बाद में हथियार लिया युवक परिसर से बाहर निकल गया। गौरतलब हो कि कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वालों पर नजर रखने के लिए दोनों गेट पर पुलिस अधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह व्यक्ति जब कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहा था, तो प्रतिनियुक्त पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने उसे क्यों नहीं रोका। गौरतलब हो कि 2 वर्ष पूर्व पेशी के लिए लाए गए एक कैदी से मुलाकात करने पहुंचे अपराधी के पास से हथियार बरामद हुआ था। दरअसल वो जगह प्रतिबंधित है और किसी भी तरह का हथियार लेके वहाँ प्रवेश करना वर्जित है। अधिवक्ता अपने लाइसेंसी हथियार को लेके आ सकते हैं, लेकिन अन्य कोई लोग वो हथियार लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कई बार आपराधिक घटनाएं घट चुकी है वहाँ पे। मोहम्मद आरजू की घटनाएं थी और कई घटनाएं घट चुकी हैं। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर डीडीसी सुनील कुमार ने स्वीप कोर कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। मौके पर डीपीआरओ सह स्वीप पदाधिकारी, डीईओ, डीपीएम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर में गुरुवार को समाहरणालय परिसर में डिप्टी कलेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में कार्यालय के सभी अधिकारियों ने आगे आकर हिस्सा लिया। वहीं शपथ समारोह को लेकर भागलपुर डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि सभी कार्यरत अधिकारियों को बिना जात पात देखे सभी भेदभाव को छोड़कर विकास के लिए आगे काम करना होगा। यहाँ पे जितने लोग कार्यरत थे उनको एक शपथ लेना था और उसी के अंदर में जो है उन लोगों को शपथ दिलाया गया कि जो भी हम लोग खर्च करेंगे बिना जाति भेद को आधार बनाए बिना जो है भावना के आधार पर आपसी मतभेद हम लोग सुलझाएंगे। पुलिस जिला नवगछिया में अपराध का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। परवत्ता थाना क्षेत्र के बोरवा मोड़ 14 नंबर सड़क पर बाइक सवार दो हथियारबंद अपराधियों ने पिकअप वैन चालक से 1.5 लाख रुपए नगद, दो मोबाइल सहित अन्य सामान लूट लिया, जिसके बाद पीड़ित पिकअप वैन चालक नाथनगर मोहनपुर बैरिया निवासी प्रमोद कुमार ने परवत्ता थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर चालक प्रमोद ने बताया कि पूर्णिया मंडी में भिंडी बेचने के बाद वह वहां से वापिस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेतरी दुर्गा मंदिर के समीप पल्सर पर सवार दो नकाबपोश ने पिकअप को ओवरटेक किया और बोड़वा के पास दोनों अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर पर्स, मोबाइल और 1.5 लाख रुपए कैश लेकर तेतरी की ओर फरार हो गया। घटना को लेकर प्रवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है। भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के मौके पर जिलाध्यक्ष परवेज जमाल की अध्यक्षता में विधायक अजीत शर्मा समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी की। बता दें कि अपने आवास से अपने समर्थकों के साथ विधायक अजीत शर्मा बाइक से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। जयंती के अवसर पर कांग्रेस कमेटी में सब लोग आए हैं और उनके जो बलिदान, उनके किए हुए कार्यों का हम लोग सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उनके रास्ते पर चलने का काम करेंगे। इससे पहले जिला युवा कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जयंती के मौके पर कचहरी चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समीप पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच पौधारोपण के लिए पौधों का वितरण किया। आज राजीव जी के 76वीं जयंती पर युवा कांग्रेस पूरे देश भर में पौधा वितरण का कार्यक्रम कर रही है और विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। ये हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि कोविड के महामारी में जिस तरीके से ये एक मैसेज
दिया गया हम लोगों के तरफ से कि पौधा लगाओ और जीवन बचाओ। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सिंडिकेट हॉल में कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सिंडिकेट कमेटी की बैठक हुई। बैठक में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार एवं वित्त कमेटी की बैठक में दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय की ओर से अगले माह होने वाले बीएड स्नातक पार्ट 3 और पीजी सेमेस्टर 2 के परीक्षा को लेकर चर्चा हुई। कहलगांव प्रखंड के जागेश्वर गांव में एक विवाहिता को गांव के ही गैर मर्द के साथ ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों को बांध कर रखा गया और घटना की जानकारी पुलिस एवं केरल में काम कर रहे महिला के पति को दी गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला का पति महावीर पासवान केरल में रहकर काम करता है, जिसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी गांव के ही श्रवण ताती के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। मौके पर शिवनारायणपुर पुलिस के आने के बाद ग्रामीणों ने महिला के सामने श्रवण ताती से शादी करने का प्रस्ताव रखा और महिला शादी के लिए राजी हो गई। ग्रामीणों ने केरल में रह रहे महिला के पति से बात कर दोनों की शादी करा दी। बता दें कि महिला को पहले से 2 बच्चे भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जगह जगह कोरोना वायरस जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गुरुवार को भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में कोर्ट के सभी कर्मियों का सैंपल लेकर कोरोना का जांच किया गया। बता दें कि संक्रमण तेजी से फैलता देख हाल ही में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा लैब बाइक का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद मोबाइल कोरोना गश्ती दल शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर कोरोना वायरस की जांच कर रहे हैं। वहीं जांच को लेकर सदर अस्पताल हॉस्पिटल मैनेजर जावेद मंजूर करीबी ने बताया कि सिविल सर्जन के निर्देशानुसार कोरोना गश्ती दल पूरे इलाके का भ्रमण कर रही है। साथ ही हॉस्पिटल मैनेजर ने कहा कि इस जांच के माध्यम से सैंपल टेस्टिंग के 30 मिनट बाद ही लोगों को रिपोर्ट दे दी जाती है। यहाँ पे कोविड-19 का कोरोना का रैपिड एंटीजन किट से जांच कराया जा रहा है। जो सिविल कोर्ट में पहले भी जो जाँच हुआ था और जो कुछ स्टाफ छोड़ गए थे उनका जांच हो रहा है। यहाँ के स्टाफ लोगों का ये एंटीजन किट से कोरोना का जांच हो रहा है। आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाता है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और नए इलाकों में गंगा का पानी फैलना शुरू हो गया है। भागलपुर गंगा से सटे निचली शहरी इलाके में भी पानी का फैलाव हो गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शहर से सटे तटीय इलाकों में भी नाव का परिचालन शुरू हो गया है और दियारा के लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर लौट रहे हैं। बाबा भोलानाथ मंदिर के पास गंगा की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद भागलपुर बूढ़ानाथ के निचले इलाकों में देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो गए हैं। खासकर देख सकते हैं कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद यह भागलपुर बूढ़ानाथ का ये निचला इलाका और खासकर ये उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। खासकर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र में जो है बूढ़ानाथ के उत्तरी क्षेत्र में निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं वो खेती करते हैं और खेती पर निर्भर हैं और उनकी जो फसल बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो एकमात्र साधन नाव का बचा है। जो लोग खासकर निचले इलाके में कुछ इक्का दुक्का गांव है वहाँ से शहर का संपर्क अब एकमात्र नाव रह गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये भागलपुर बूढ़ानाथ का परिसर है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पानी में अटखेलियाँ कर रहे हैं। खासकर स्थानीय लोग जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, बच्चे अटखेलियाँ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जल स्तर में लगातार वृद्धि है इसकी जो है जो ये बाढ़ जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है इसकी मार कहीं ना कहीं किसानों को ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। इस तरह से और अगर देखा जाए तो लोग जो है हर बार जब भी गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होती है तो निचले इलाके में पानी भर जाता है तो हर बार ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो समय से पहले यानी इस माह के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी लेकिन इस साल जो है पहले एक माह पहले ही यह स्थिति उत्पन्न हो गई है और कहीं ना कहीं इसकी मार जो है यहाँ के निचले इलाके के जो किसान है उनको झेलनी पड़ रही है। विकास कुमार सिंह सुमित राज के साथ सिल्क टीवी भागलपुर। भागलपुर जिला विधिक संघ के उत्तरी भाग परिसर में राष्ट्रीय जनता दल विधि प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नए सदस्य बनाने सहित उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं के गोलबंदी को लेकर चर्चा की गई। आम सभा की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि कमेटी के विस्तार के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और साथ ही साथ यह भी हम लोगों ने निर्णय यहाँ कमेटी में लिया है, मतलब कमेटी में निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हमारे वरिष्ठ लॉयर प्रशांत भूषण सर हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवमानना का जो केस दर्ज हुई है उसके भी खिलाफ में हम लोग बांका के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुआ नदी के बबुनिया घाट पर बालू संवेदक के पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डेढ़ महीना से बंद बालू घाट को पुनः चालू कराने का विरोध करते ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। बालू घाट पर तनाव की सूचना मिलते ही बेलहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझा कर मामला शांत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि खनन विभाग एवं सरकार के निर्देशानुसार जुलाई अगस्त एवं सितंबर माह तक नदी से बालू उठाने का प्रावधान नहीं है, जिसके कारण जुलाई माह प्रारंभ होते ही बालू घाट बंद कर दिया जाता है। लेकिन संवेदक के पेटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अवैध रूप से बालू उठाने की नियत से अगस्त माह में ही बालू घाट प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदी की क्षमता से अधिक बालू निकाल लेने के कारण नदी काफी गहरी हो गई है, जिससे आसपास के किसानों को सिंचाई में परेशानी होती है और अवैध बालू खनन का विरोध करने पर बालू माफिया के द्वारा ग्रामीणों को रंगदारी के झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी जाती है। वहीं घटना को लेकर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि डंप की बालू के लिए संवेदक के द्वारा चालान प्रारंभ कराने की बात कही जा रही थी लेकिन ग्रामीणों द्वारा अवैध बालू खनन का विरोध किया गया। मौके पर जाकर दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया है तथा एक चौकीदार की नियुक्ति कर दी गई है। शहर में आए दिन सड़क हादसे में काफी वृद्धि हुई है। गुरुवार को भिकनपुर गुमटी नंबर 2 के समीप टोटो एवं स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई।
दुर्घटना में टोटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रतिबंध के बावजूद न्यायालय परिसर में हथियार लेकर घूमता रहा युवक, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक कवायद हुई तेज, डीडीसी ने स्वीप कोर कमेटी के सदस्यों के साथ की बैठक। पुलिस जिला नवगछिया में अपराधी हुए बेखौफ, हथियार के बल पर ड्राइवर से लूटा 1.5 लाख रुपए। भागलपुर कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री की मनाई गई जयंती, पुष्प अर्पित कर किया याद। और तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सिंडिकेट कमेटी की भी बैठक, शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त करने का कुलपति ने दिया निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।